सिरसा की सांसद कुमारी शैलजा का बयान, पहला इम्तिहान पास कर लिया है, अब हरियाणा की बारी, सभी मिलकर करेंगे मेहनत, सिरसा लोकसभा की सभी 9 विधानसभा सीटें जीतेंगे। कुमारी शैलजा सिरसा में विधानसभा चुनाव को लेकर कार्यकर्ताओं से बैठक करने के बाद मीडिया से रूबरू हुई। पंचकुला में अमित शाह की मीटिंग पर बीजेपी पर निशाना साधा, जनता पिछले 10 सालों से इनके राज से दुखी है, अब चाहे ये शंखनाद करे या कुछ और करे फर्क नहीं पड़ता, राज्यसभा चुनाव में कांग्रेस की भूमिका पर बोली शैलजा, अभी कोई भी फैसला नहीं हुआ। लोकसभा में राहुल गांधी का माइक बंद किए जाने के सवाल पर बोली राहुल गांधी, नीट को लेकर अपनी बात रखना चाहते थे, अगर विपक्ष जनता की आवाज नहीं उठाएगा तो कौन उठाएगा। अब सब मिलकर मेहनत करेंगे, हमने पहला इम्तिहान पास किया है, अभी दूसरा भी है। हमने शुरू में भी कहा था कि पहले सिरसा उसके बाद हरियाणा, तो हरियाणा की बारी आ गई, ज़्यादा से ज़्यादा सीटें हमने जीतनी हैं, सिरसा की नौ जीतनी हैं, तो सब मेहनत करेंगे, मिलकर काम करेंगे और आगे अपनी सरकार बने, लोगों के काम। आज बीजेपी ने भी संकल्प कर लिया है, अमित शाह मीटिंग ले रहे हैं, देखो उनको ज़रूरत है क्योंकि 10 साल उनकी सरकार बनी हो गई और लोग उनसे बहुत परेशान हैं, दुखी हैं, तो अब वो शंखनाद करें या कुछ भी करें, उनको अपना काम देखना है, लेकिन लोग अब कांग्रेस को जानते हैं। लोकसभा में पहले दिन जिस तरह से राहुल गांधी, देखो ये बहुत ही एक परंपरागत बात रही है हमारे संसद की कि जब नेता प्रतिपक्ष खड़े होते हैं तो स्पीकर साहब, सभापति उनको मौका देते हैं, बाकी सबको बैठाकर उनको मौका दिया जाता है, ये परंपरा रही है। लेकिन ना लोकसभा में ना राज्यसभा में, परंपराओं को तो इन्होंने ताक पे रख दिया है और जो लोगों की आवाज़ उठाना चाहें वो आवाज़ उठने नहीं देना चाहते। राहुल जी आज लाखों लाखों बच्चों के भविष्य की बात उठाना चाहते थे, नीट का एक सबसे बड़ा ज्वलंत मुद्दा देश के सामने है, लेकिन अगर विपक्ष ही आवाज़ नहीं उठा पाएगा तो लोगों की आवाज़ बनेगा कौन। लेकिन लोगों की आवाज़ को ये दबा नहीं सकेंगे हम, हमारे नेता राहुल जी, खड़गे जी राज्यसभा में दोनों की आवाज़ को रोका गया, तो हमारे नेता आगे बढ़ते रहेंगे और जो ताकत देश के लोगों ने हमें दी है उस ताकत को हम और बढ़ाएंगे और लोगों के हित की आवाज़ उठाते रहेंगे। राज्यसभा के लिए भी चुनाव होने जा रहा है, कांग्रेस की क्या भूमिका रहने वाली है? अब देखते हैं जो भी डिस्कशन होगा उसके हिसाब से। इनेलो नेता अभय सिंह चौटाला और जेजेपी नेता दुष्यंत चौटाला कह रहे हैं कि अगर कांग्रेस उम्मीदवार खड़ा करे तो उनका समर्थन करें। अब देखते हैं आगे क्या फैसला होता है, अभी तो कोई बात हुई नहीं है। ताज़ा अपडेट्स और बड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें आज प्रकाश टीवी और बेल आइकन दबाना ना भूलें।